देखिए, कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष, ये सवाल लगातार बड़ा बना हुआ है और इस सवाल के जवाब में सस्पेंस भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल रात ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और बहुत मुमकिन ये है कि आज दोपहर बाद किसी वक्त वो सोनिया गांधी से मुलाकात करें। हलचल लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको हर हलचल, हर अपडेट लगातार पहुंचा रहा है। ताजा खबर इस वक्त ये आ रही है कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए 10 जनपद पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। केसी वेणुगोपाल जो हैं वो 10 जनपद पहुंचे हैं सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव, जिसमें नामांकन की आखिरी तारीख 30 सितंबर है, जो कि कल है, और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अभी तक किसी ने भी पर्चा दाखिल किया नहीं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में कौन कौन, इसको लेकर सवाल भी बड़ा है, सस्पेंस भी गहराता जा रहा है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रफुल श्रीवास्तव 10 जनपद के बाहर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अपडेट्स के साथ। प्रफुल, केसी वेणुगोपाल का सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचना क्या संकेत दे रहा है? देखिए, बहुत कुछ महत्वपूर्ण घट रहा है इस समय, क्योंकि अशोक गहलोत, जो कि बिना किसी सरकारी, कोई कैसा सरकारी काम नहीं है राजस्थान से जुड़ा हुआ जिसके लिए वो यहाँ आए हुए हैं, कल रात वो यहाँ पहुँचे थे और कल से ही ये बात चल रही थी कि उनको यहाँ सोनिया गांधी से मुलाकात करनी, अलग अलग समय रहा और आखिरकार वो देर रात यहाँ पहुँचे हैं। आज ये कहा जा रहा है कि आज अशोक गहलोत की संभवतः मुलाकात हो सकती है सोनिया गांधी से, और उससे कुछ देर पहले, यानी अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर केसी वेणुगोपाल सोनिया गांधी के घर पहुँचे हैं और ये संभावना यही जता रही है कि शायद 11 से 2 के बीच का जो समय है, इस बीच में अशोक गहलोत जो है वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने आ सकते हैं। और आपने जैसा कहा कि कल एक आखिरी दिन है नामांकन का और आज उससे पहले वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कुछ देर में शायद अशोक गहलोत यहाँ पहुँचे, उनको समय दिया जाएगा। और उस बीच में जो तमाम नाम चल रहे हैं, जिनकी बातें हो रही हैं कि अध्यक्ष की रेस में ये भी हैं, दिग्विजय सिंह से चिदम्बरम मिलने पहुँचे हैं, वहीं इस बीच में सोनिया गांधी के घर पर ये हलचल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अशोक गहलोत को यहाँ आने की बात कही जा रही है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 11 से 2 में वो मिलने आ सकते हैं। और ऐसे में उनका आना भी, केसी वेणुगोपाल का भी यहाँ पहुँचना बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि संगठन के लिहाज से बहुत उनका बड़ा कद है, तो वो यहाँ पहुँचेंगे। तो फिलहाल सारी नज़रें 10 जनपद पर हैं कि आखिर कब यहाँ पर अशोक गहलोत आते हैं और क्या बातें करते हैं, क्या वो अपनी शर्तें दोहराते हैं या जो कुछ हुआ उसके ऊपर कोई अपनी कोई बात रखते हैं। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये देखना भी कि अभी तक तो खुद अशोक गहलोत की तरफ से किसी तरीके से कोई शर्त रखी नहीं गई है ना, जो भी कहा जा रहा है उनके समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है। और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरीके से पर्यवेक्षकों ने क्लीन चिट अशोक गहलोत को दे दी है, तो क्या गेंद अब अशोक गहलोत के पाले में है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है यहां से देखना। और इस सबके बीच कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो हलचल हो रही है, उसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि मुकुल वासनिक अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस में फिलहाल सबसे आगे नजर आ रहे हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं वहीं से जहां पर दिल्ली में ठहरे हुए हैं अशोक गहलोत, और जरा जानते हैं जनेंद्र से मुकुल वासनिक अशोक गहलोत से मुलाकात करने जो पहुंचे हैं तो किस भूमिका में, गांधी परिवार के दूत की भूमिका में? बिल्कुल रुमाना, आप सही कह रही हैं। मुकुल वासनिक पर्दे के पीछे, जैसे ही जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं, मुकुल वासनिक पर्दे के पीछे राजस्थान की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं। बीते दिनों में सचिन पायलट भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं और आज मुकुल वासनिक की मुलाकात अशोक गहलोत से हो रही है जोधपुर हाउस में। रुमाना, जैसे T20 मैच में 19वां ओवर तय कर देता है दूसरी इनिंग का कि मैच का नतीजा क्या होने वाला है, वो 19वां ओवर आज का दिन है। आज सब कुछ तय हो जाएगा कांग्रेस में कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पर्चा कौन कौन भरेगा और ऐसी सूरत में राजस्थान की गद्दी किसके पास जाएगी। अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि वो सशर्त कांग्रेस अध्यक्ष का पर्चा भरने को तैयार है। उनकी शर्त बस ये है कि राजस्थान की गद्दी पर सचिन पायलट को और उनके कैंप के किसी को ना बिठाया जाए, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर 2 साल पहले गद्दारी की थी। लेकिन कांग्रेस आला कमान की नजर में कहीं ना कहीं सचिन पायलट एक अच्छे उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के लिए और उनको लेकर मन बनाया हुआ है, और कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि गहलोत बिना किसी शर्त के कांग्रेस अध्यक्ष का पर्चा भरें। और इस बीच दिग्विजय सिंह का नाम आ गया है इस रेस में, उन्होंने खुद उनके नजदीकी सूत्रों ने कहा है कि वो पर्चा भरेंगे, उनसे पी चिदम्बरम की मुलाकात हो रही है। तो आज घटनाक्रम बहुत अहम रहने वाला है और वेणुगोपाल का सोनिया गांधी बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त। जनेंद्र ने जो बड़ी खबर दी है आपको एक बार फिर से बता देते हैं, अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर दावेदारों के नाम एक के बाद एक जो सामने आ रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई हलचल तेज होती जा रही है। और जिस तरीके से अभी जयेंद्र बता रहे थे दिग्विजय सिंह, उनसे मुलाकात करने के लिए पी चिदम्बरम
कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम दिग्विजय सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये एक और बड़ा अपडेट जो अभी अभी जनेंद्र ने हमें दिया है। जी जनेंद्र, बिल्कुल। तो रोमाना भाई, घटनाक्रम बड़ी तेजी से जो है वो अंदर खाने चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष वही बनेगा जो लॉयल्टी टेस्ट पास करेगा, जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद होगा, उसी के चेहरे के इर्द गिर्द सब कुछ सारी जो है गोलबंदी होगी। अभी तक सिर्फ शशि थरूर का कंफर्म है नामांकन, गहलोत के नामांकन को लेकर के कह रहे हैं विकल्प खुला हुआ है। दिग्विजय सिंह के करीबी सोर्सेज कह रहे हैं कि वो पर्चा भरेंगे, लेकिन अभी तक इन लोगों ने पर्चा लिया नहीं है। कल आखिरी दिन है, तो आज पूरे दिन के घटनाक्रम के बाद यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पर्चा कौन कौन भर रहा है। और अशोक गहलोत अगर पर्चा भरते हैं तो क्या जो उनकी शर्त है वो हाईकमांड मानता है, या फिर हाईकमांड की जो दलील है कि आप बिना शर्त अध्यक्ष मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार होइए, वो चीज गहलोत मानते हैं। और इसीलिए मुकुल वासनिक गांधी परिवार सोनिया गांधी के दूत के तौर पर फिलहाल अशोक गहलोत से वार्ता कर रहे हैं। जो बिल्कुल आप नजर बना रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। अजातिका का रुख करते हैं, अजातिका मौजूद है इस वक्त सचिन पायलट के घर के बाहर से, और जरा जानते हैं अजातिका से कि सचिन पायलट की कमोबेश अभी तक की रणनीति वेट एंड वॉच वाली। अजातिका जी, बिल्कुल रोमाना, जैसे कि जैनेन्द्र जी आपको बता रहे हैं कि जोधपुर हाउस में अशोक गहलोत से मिलने के लिए तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, कुछ वैसी स्थिति ही हमें सचिन पायलट के घर पर भी नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर एमएलएज यानी कि जो विधायक हैं वो लगातार पहुंचते जा रहे हैं। जैसे कि ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं वो अब से कुछ देर पहले राजस्थान के विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा पहुंचे हैं, और उनके साथ ही अब मेरे बाईं तरफ भी गाड़ी देखिए तो लगातार कोई ना कोई पहुँच रहा है मिलने के लिए। जो गुट है पायलट साहब का, उनका गुट लगातार, उनका खेमा जो है वो लगातार अंदर बातचीत कर रहा है। सुबह से ही कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा है, हालांकि अभी तक कोई कमेंट नहीं आ पाया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है, अंदर जो जानकारी हमें अंदर से प्राप्त हुई है कि किसी भी वक्त सचिन पायलट बाहर निकल सकते हैं और आज प्रियंका गांधी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।